आज हम करेंगे वर्गीकरण विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना। बाकी सारी हम अपने इससे पहले कर ली, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पर तुम उसकी वीडियो मिल जाएंगी। अब देखो ये वर्गीकरण से कैसे हल करते हैं। वर्गीकरण का मतलब आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, इस 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करने के लिए आप लिखोगे 7 × 11 x + 7 बराबर, इस 6 को लिखोगे 6 × 22 x + 13। अब आपको क्या करना है, इस 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इस 7 की इसमें भी करनी है, इस 6 की इसमें भी करनी है और इस 6 की इसके अंदर भी करनी है, जैसे आपने पिछली में करा था, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था। देखिए अब क्या करेंगे, 7 × 11 में करी, ये हो गया 11 × 77 x + 7 × 49 बराबर 22। 22 की मल्टीप्लाई आपने करी 6 × 12, 2 × 6 = 12 और 1 × 13, 132 x + यहाँ पे आपका आ गया 13 × 78। अब आप क्या करेंगे, इसका x वाले एक तरफ ले लेंगे, बिना x वाले एक तरफ कर लेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 77 को इधर लेके जा रहा हूँ, x वाला इधर और बिना x वाले इधर ला रहा हूँ, तो क्या होगा, ये 49 पहले आप जो का तो लिख देंगे, इसके पास आप किसे ले गए 78 को, तो यहाँ हो गया -78 बराबर 132 एक्स माइनस किसे ले गए 77 को, 77 x। अब आपने 49 में से 78 तो घटने का नहीं, आप 78 को 49 में से घटाओगे तो 8 में से 9 यानी 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे आपका बचा 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे बच गया आपका माइनस का 29 बराबर, यहाँ पे आपने 132 में से घटाया 77, 12, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 12, 12 में से 5 गए सॉरी 7 गए 5, ये हो गया इतने एक्स। अब आपको क्या करना है, जो भी भाग में है उसे आप कहाँ में भेज देंगे, दूसरी तरफ गुना में, क्या लिखोगे माइनस के 29 बटे ये 55 कहाँ जाएगा गुना में, गुना से भाग में बराबर एक्स, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमें क्या करनी है, वर्गीकरण विधि से इन सवालों को हल करना, ठीक है।